ये जंगल की आग ऐसे नहीं बुझती। उनकी बातें सुनकर नन्ही टूनी चिड़िया बोली, तुम्हें भागना है तो भागो, पर मैं नहीं भागूंगी। ये जंगल मेरा घर है और अपने घर को बचाने के लिए मैं मरते दम तक कोशिश करती रहूंगी, फिर चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। नन्ही टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर जंगल के सभी पक्षियों के शर्म से सर झुक जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और फिर सभी पक्षी ने नन्ही टूनी चिड़िया से माफी भी मांगी। हमें माफ कर दो चिड़िया रानी, तुम सही कह रही हो, ये जंगल हमारा घर है और अपने घर को बचाना हमारा फर्ज है। और फिर जंगल के सभी पक्षी जंगल में लगे आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और आखिर में उनकी मेहनत रंग लाती है और जंगल की आग बुझ जाती है। और फिर सब नन्ही चिड़िया से कहते हैं, शुक्रिया चिड़िया रानी, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से ये हमारा जंगल बच गया। और फिर जंगल के सभी पक्षी एक साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर बिना कोशिश किए हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।